धीरेंद्र शास्त्री का क्लियर लाउड मैसेज, वक्फ बोर्ड वाले मौलानाओं की अब नहीं चलने देंगे मनमानी। गली गली घूमकर वक्फ बोर्ड पर विरोध करा रहे थे मौलाना, फिर वक्फ बोर्ड पर धीरेंद्र शास्त्री ने कर दिया ऐसा ऐलान, मौलानाओं में मच गया हड़कंप। जो काम नहीं कर पाए मोदी योगी और बड़े बड़े देश के साधु संत, अब वो काम करेंगे बागेश्वर धाम। धीरेंद्र शास्त्री का ऐसा ऐलान, 56 मुस्लिम देशों में मच गया घमासा। बाबा अब शुरू करने वाले हैं हिंदुओं के लिए इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन। जी, बागेश्वर धाम के पीठ के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित उनके अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कह दिया कि वो जल्द ही सनातनियों को एकजुट करने के लिए पदयात्रा निकालने वाले हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी तंज कसा कि अब किसी भी लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही बिना नाम लिए कहा कि भारत में जिन लोगों ने अति कर रखे रखी है अब उनकी खैर नहीं है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने इंदौर को संस्कारधारी आर्थिक राजधानी बताया और शहरवासियों को अपना आशीर्वाद दिया। इंदौर के कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री सीधे उज्जैन के लिए रवाना हो गए, जहां पर वो विशेष पूजा अर्चना करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इससे पहले इंदौर के नाइट कल्चर पर सवाल उठा चुके हैं। एक कथा में उन्होंने कह दिया था कि नाइट कल्चर को भारत में इतना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जितना इंदौर ने करने का दुस्साहस किया है। नाइट कल्चर तो निशाचरों का है और इंदौर में निशाचर नहीं रहते। उन्होंने कहा कि इंदौर वाले धार्मिक लोग हैं, नाइट कल्चर से हमारी संस्कृति खराब होगी और इससे इंदौर की पवित्रता पर दाग लगेगा, साथ ही इससे अपराध भी बढ़ेंगे। सरकार को तुरंत बिना सोचे समझे नाइट कल्चर को बंद कर देना चाहिए। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर बहुत बवाल मचा था। लोगों ने कहा था कि आपको लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो धीरेंद्र शास्त्री नहीं मानते। वहीं पंडित धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक पैदल यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा को उन्होंने हिंदू एकता पद यात्रा का नाम दिया है। उनका कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं में एकता बढ़ाना और सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा रामराजा सरकार तक जाएगी, जो कि 21 से 30 नवंबर तक रोजाना 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान जो भी यात्री, जो भी भक्तगण इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही साथ अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उनको अपना प्लेट, अपना कप और साथ ही साथ अपना कंबल खुद लाना होगा, ताकि बागेश्वर धाम की योजनाओं पर, बागेश्वर धाम की इस यात्रा पर कोई असर ना पड़े। जिसको जिस तरीके से भी सोना है वो अपने आप से सोए और अपना सामान खुद अपने साथ लेकर आए। ऐसे में आप बताइए कि वक्फ बोर्ड मौलानाओं को जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री ने क्लियर अनाउंस मैसेज दिया है कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी, वो चलेगी जो सनातन चाहेगा, वो चलेगा जो हिंदू चाहेंगे, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्योंकि इस मुद्दे पर ना योगी खुलकर कुछ बोल पाए, ना मोदी खुलकर कुछ बोल पाए, ना ही साधु संत कुछ कह पाए। लेकिन जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है और कह दिया है कि होगा वही जो सनातनी चाहेंगे, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।